हेलो गाइस, वेलकम टू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बोलने, बस मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मेरे से कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलने, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, अभी मम्मी का फ़ोन आया था और मैं थोड़ी देर में जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। अभी तक मैंने देखा नहीं है उसको, ना सोनू को देखा है ना बीबी को देखा है। तो अभी मैं उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो मम्मी ने बोले कुछ मसाले वसाले नहीं डालने, बहुत थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी डालनी है, एकदम नॉर्मल बना के ले जाना है। तो यहाँ पर मैंने मूँग की दाल 2 मुट्ठी ले ली है, और 1 मुट्ठी में चावल लूँगी, और उसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, 2-3 गिलास, और थोड़ा सा हल्दी और नमक डालूँगी बस, और फिर बना के ये ले जाना है। और दूसरी चीज़, मुझे एक लापसी बनानी है। और अगर आप पहाड़ी हो तो आपको पता होगा कि लापसी क्या होता है, मतलब वो ना एक तरह, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे हलवा बनता है ना, हलवा तो उसका लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब एकदम लिक्विड ही बनाना होता है उसको। मतलब जनरली ना उसको उनको देते हैं, थोड़े से जिनकी जिनको थोड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है और इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, लाइक प्रेगनेंसी के बाद, जैसे डिलीवरी हो जाती है उसके बाद देते हैं, ताकत के लिए देते हैं वो। तो अभी ये 2 चीज़ें हैं, वो बना के मैं ले जाऊँगी। और मेरे साथ अभी मेरी होने वाली भाभी भी जाएगी, तो वो आ रही है, बस मैं उनका वेट कर रही हूँ, फिर हम निकलते हैं। और बाकी तो फिर मैं वहीं जाके आपको दिखाऊंगी बाकी क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से दाल और चावल को धोया, फिर उसके बाद मैंने उसमें 2.5 गिलास पानी डाला है। और मैं पहली बार बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है, मतलब अंदाजे से ही बना रही हूँ, मेरे को आता नहीं है वैसे खाना बनाना, तो सीख जाऊँगी, लेकिन अपने लिए तो सीखना ही पड़ेगा ना। और बस थोड़ी सी नमक और हल्दी डाली है और मैं रख के बनाती हूँ उसको, देखते हैं कैसा बनता है। और बनेगा तो खैर वैसे ही बनेगा, जैसे मतलब टेस्ट तो है नहीं कोई, तो मेरे को डांट भी नहीं पड़ेगी, ठीक ही बनेगा जैसा भी बनेगा ना। तो बस मुझे तो बना के ले जाना है अपनी बहन के लिए, बाकी चीज़ें मैं वही दिखाऊंगी आपको, ठीक है। मेरी प्यारी सी भांजी, और फिर जल्दी दिखाएंगे, आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल में। क्या बोल रही हूँ, तो गाइस बाद में मिलते हैं आपसे। चाहती हूँ मतलब कल तो मतलब मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं घर में थी एलसी के साथ, तो लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो पेन स्टार्ट हुआ था वो 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन कल हर 10-10 मिनट में होने लगा रात के 1 बजे। तो फिर हम रात के 1:30 बजे तक हम उसको एम्स में ले गए, और आज सुबह ही हुआ है वो। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बस मैं बोलते जा रही हूँ। और अभी मैंने भी, मतलब मैं भी गई नहीं हूँ हॉस्पिटल, अभी हम लापसी और ये जो खिचड़ी है वो बना चुकी है हमने, तो बस वो लेके जाएंगे, फिर आगे जैसा भी होगा मैं आपको बताती जाऊँगी। तो बस अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं मौसी बन गई। और बस थोड़ी देर में आपको सबसे मिलाती हूँ, सबके रिएक्शन तो मैं नोट नहीं कर पाई क्योंकि मैं थी ही नहीं उधर पर प्रेजेंट, और मतलब बस ऐसे ही बता सकती हूँ मैं आपको। और जिससे अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या होगा, ठीक है, बाय। अभी हम घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं क्योंकि कल रात से हम सोए नहीं हैं। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना।
और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सब बहुत ज्यादा खुश है। हम जीत गए। सॉरी सॉरी सॉरी।